नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वक्त है एसएसआर का यानी कि सेहर सेहर रिपोर्टर देखने का। तमाम बड़ी खबरों को हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। करेंगे शुरुआत। गोवा के बाद अब मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को राज्य में सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। बीरेंद्र सिंह और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य इम्फॉल में बुधवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। इससे पहले रविवार को बीजेपी की एक डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात की थी और बहुमत का दावा किया था। 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने एनपीपी के 4 और एलजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के एक एक विधायकों के समर्थन का दावा किया था। बीजेपी ने कुल 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीरेंद्र सिंह ने बीते साल अक्टूबर में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीरेंद्र सिंह हीन गैंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। एंड आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आई गो बाय द बुक एंड आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन। माय एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स इज वेरी हेल्पफुल टू मी to do the correct thing. And I hope it will be in the interest of the people of Manipur. बीरेंद्र सिंह एक समय इबोबी सिंह के खास सहयोगी थे। बीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी विधायक थोंगम विश्वजीत भी सीएम की रेस में आगे चल रहे थे। मनोहर परिरकर एक बार फिर गोवा के सीएम बन गए हैं। उन्होंने प्रदेश के 13वें सीएम के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर परिरकर को 10 मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। मनोहर परिरकर को अब 16 मार्च को गोवा विधानसभा में बहुमत साबित करना है। 61 साल के परिरकर को गोवा में बीजेपी को ताकतवर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। परिरकर पहली बार 1994 में विधायक बने थे। 1999 में परिरकर गोवा विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर रहे। 2002 में राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और परिरकर राज्य के सीएम बने। 1994 में परिरकर जब पहली बार विधायक बने तो उस वक्त राज्य में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें थी, लेकिन परिरकर ने 6 साल में ही गोवा में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिला दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। जेटली ने आज कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि मनोहर परिरकर ने गोवा का मुख्यमंत्री बनने के लिए रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अरुण जेटली 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय से रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन बाद में मनोहर परिरकर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया था। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सूबे से हटाकर देश की सियासत में बड़ी कुर्सी पर काबिज करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को रक्षा मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी देने पर बीजेपी आलाकमान सोच विचार में डूबा है, जबकि महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर मराठा नेता की ताजपोशी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बतौर रक्षा मंत्री फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पहली पसंद है। हालांकि फडणवीस ने इन अटकलों को खारिज किया है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं और मिल रही जानकारी के मुताबिक एक मीटिंग में खुद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया। 8 मार्च को सोमनाथ में हुई मीटिंग में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मोदी ने आडवाणी को गुरु दक्षिणा देने की बात कही। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी ने जब 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी तो उस वक्त उनके सारथी के रूप में नरेंद्र मोदी काम करते थे। 2002 में जब मोदी के सामने मुश्किलें खड़ी हुई तो आडवाणी ने ही मोदी का बचाव किया था। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और यूपी में बीजेपी की भारी जीत के बाद उसके लिए अपने पसंद का राष्ट्रपति चुनना आसान हो गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी के नए सीएम के नाम को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो जोरों पर है। खुद केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में शामिल हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और पीएम मोदी की मुलाकात के खास मायने हैं। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से चुनावों के दौरान और मतगणना से पहले तक ये माहौल था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन जीतेगा तो बीजेपी जीत गई, अब कौतूहल का विषय बना हुआ है कि यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इसके लिए एक्सरसाइज तेज़ है, लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है, कौन होगा इसका फैसला नेतृत्व करता है। वो नेतृत्व के द्वारा किया गया फैसला जल्दी ही
लोगों के पास पहुंचेगा। लोग इस बात से कहीं कोई चिंतित नहीं है, ना प्रतीक्षारत है कि कौन होगा। लोगों को इस बात का संतोष है कि सपा बसपा जैसे भ्रष्टाचार करने वाली, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों का उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है और भाजपा सत्ता में आ चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। सर, आप भी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे कि बहुत सारे चेहरे चल रहे हैं, कि उसमें से आपका भी एक चेहरा है। तो जिस तरीके से आपकी अगुवाई में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, तो आपके नाम पर भी बात चल रही है, तो क्या माना जाए कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष ही यूपी का मुख्यमंत्री होगा? ये जो काल्पनिक प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नेतृत्व का जो निर्णय होगा प्रदेश अध्यक्ष इस नाते, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसे पालन करेगी। सीएम पद के दावेदारों को लेकर तमाम कयास चल रहे हैं। ऐसे में इसी बात की भी चर्चा है कि मोदी किस नए नाम को आगे कर चौंका सकते हैं। कानपुर की महराजपुर सीट से 6 बार विधायक रह चुके सतीश महाना एक ऐसा ही नाम हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इन कयासों के दौर के बीच कल अचानक विशेष विमान से महाना को दिल्ली बुलाया गया और प्रधानमंत्री से उनकी भेंट कराई गई। 56 साल के महाना संघ के दिनों से मोदी के दोस्त रहे हैं। इस बार भी महाना को रिकॉर्ड 56% वोट मिले हैं, ये उनकी छठी जीत है। वहीं इनमें से 2 केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और कलराज मिश्र भी हैं। हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री तय नहीं करता है, पार्टी बैठकर तय करेगी। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी का तय करेगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निश्चित कर दिया है कि वहाँ पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षकों में वेंकैया जी हैं और डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं। ये लोग जा करके वहाँ लोगों से राय ले करके रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का चयन। 6 चेहरों में आपका भी चेहरा था, मुझे पता। बता दें कि सतीश महाना का मुकाबला इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की मनोज शुक्ला और समाजवादी पार्टी के अरुणा तोमर से था। यूपी में अगले सीएम के तौर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह का स्टाफ लखनऊ में पंचम तल्लियानी सीएम ऑफिस के अधिकारी से संपर्क बनाए हुए। ये भी दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के स्टाफ ने 5 कालिदास मार्ग में बने सीएम के सरकारी निवास के बारे में जानकारी हासिल की है। सीएम के संभावित उम्मीदवारों में सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी चर्चा में है। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं। पहले तो यूपी की जनता और तमाम लोग जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आएगी। भाजपा पूर्ण बहुमत से यूपी में आ चुकी है। जो मुख्यमंत्री चुनने का प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, जो पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। अब जो विधायक दल की बैठक होनी थी उसको लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। सर, आप बताने की कोशिश करेंगे कि कब ये बैठक होगी, क्या इसका प्रोसेस है? देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों की कोई बैठक अधिकृत रूप से तय नहीं हुई है। जैसे तय होगी वैसे इसकी सूचना मिल जाएगी और ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। सर, यूपी को लेकर मतलब जो प्रोसेस तेज होना चाहिए था वो काफ़ी स्लो है। ऐसा तो नहीं कि आलाकमान सोच विचार कर रही होगी, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी कि जो पूरी तरह से योग्य हो, यूपी को कंट्रोल में कर सके, इसलिए देरी हो रही है? देखिए, ये उनसे पूछा जाने वाला सवाल है जो लोग निर्णय करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करता है इसका, वही सक्षम फोरम है, उसी स्तर पर इसका निर्णय होता है। मैं समझता हूँ कि वही लोग इसका उचित जवाब दे सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है, लिहाजा 16 तारीख को नए विधायकों की होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। ये बैठक अब कब होगी अभी फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन 16 तारीख को इसके होने की संभावना बहुत कम है। खबर यह है कि अमित शाह इससे पहले कोयम्बटूर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में जाएंगे और वहां मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, जो संघ के प्रमुख हैं, और उस मुलाकात में तमाम प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि उस चर्चा के बाद जब मोहर लग जाएगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधायकों की ये बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक अब 16 तारीख को नहीं उसके आगे हो सकती है। मणिपुर और गोवा के भी मुद्दे कहीं ना कहीं इस बैठक को टालने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।
फिलहाल अभी 16 तारीख को होने वाली बैठक टाली गई है और उत्तर प्रदेश को उसके नए मुख्यमंत्री के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में नेता विपक्ष के पद को लेकर मंथन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने 16 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें नेता विपक्ष के पद पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लखनऊ में नव निर्वाचित विधायकों की ये बैठक होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव नेता विपक्ष का पद लेना नहीं चाहते। चारों तरफ बीजेपी को यूपी में मिली जीत की चर्चा हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी बीजेपी को उतनी ही प्रचंड जीत हासिल हुई है। खबर है कि खुद पीएम मोदी उत्तराखंड में शपथ ग्रहण का हिस्सा बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रशासन तैयारियों में भी जुट गया है। शहर के बीचों बीच मौजूद परेड मैदान में कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जाहिर है कि शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मुख्य सचिव ने डीएम और एसएसपी के साथ बैठक करके तमाम तैयारियों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून एसएसपी के मुताबिक ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स का प्लान तैयार किया जा चुका है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 17 को झंडा मेला भी है, जो देहरादून जनपद के लिए काफ़ी बड़ा मेला रहता है, तो उसकी भी तैयारियां इस स्वेरिंग इन सेरेमनी के अतिरिक्त की जाएंगी। बताया गया है कि पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 22 अप्रैल को एमसीडी का मतदान होगा। चुनाव के परिणाम 25 अप्रैल को आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। नोटिफिकेशन 27 मार्च को होगा और 3 अप्रैल को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी, तो वहीं 8 अप्रैल नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल होगा। बता दें कि दिल्ली में दिल्ली की उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों एमसीडी पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अप्रैल में होने वाले चुनाव में इस बार बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। उधर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ किया है कि एमसीडी में इस बार ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। बता दें कि दिल्ली में पार्षदों की कुल संख्या 272 है, जबकि 1,32,00,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग एमसीडी उम्मीदवारों को चुनाव में 5,75,000 रुपए खर्च करने की सीमा तय है। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति मामले में उनके दो बेटों अनुराग प्रजापति और अनिल प्रजापति को हिरासत में लिया गया है। वहीं लखनऊ पुलिस ने 3 आरोपियों रूपेश, विकास शर्मा, पिंटू उर्फ अमरिंदर सिंह को अरेस्ट किया है। गैंगरेप के मामले में अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी से बचने के रास्ते अब कम रह गए हैं। ये दावा यूपी पुलिस ने गैंगरेप के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार और प्रजापति के एक बेटे और भतीजे को हिरासत में लेने के बाद किया। 3 अक्यूज्ड आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इसमें रूपेश, विकास वर्मा और पिंटू शामिल हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा आज लखनऊ में ही इनको गिरफ्तार किया गया। घर से लेकर आई है? यहीं वाले घर से? नहीं, अमेठी। अमेठी में? अमेठी से है। क्या कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी मंदिर जी का कुछ पता है? नहीं। कुछ बताया अभी तक? इससे पहले कोई संपर्क करने की कोशिश की मंदिर? नहीं, कोई संपर्क नहीं। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति अमेठी में चुनाव होने के बाद से फरार हैं। आज की कार्रवाई मिलाकर प्रजापति के 6 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें कि गायत्री प्रजापति पर एक महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी से सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। अनुराग और अनिल की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही गायत्री तक पहुँचना तय माना जा रहा है। अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया है कि 2019 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार सबसे पसंदीदा मोदी ही होंगे। यूपी उत्तराखंड में जीत के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 2019 में मोदी पीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होंगे। अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एडम जिगफेल का कहना है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में जो अनुशासन दिखा वो बाकी पार्टियों में नहीं था।
बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत भी बड़े अंतर से दर्ज की। वहीं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के शोधार्थी सदानंद धूमे का कहना है कि विधानसभा चुनावों में मोदी को 2019 के इलेक्शन के लिए एक पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर स्थापित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में विपक्ष मजबूत है वहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि सरकार के नोटबंदी के फैसले को लोगों ने स्वीकार किया है और साथ में नोटबंदी का लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर भी हुआ है। यूपी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को लेकर बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। इस जीत का सीधा असर फिर से महागठबंधन की सेहत पर पड़ता दिख रहा है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद की टिप्पणी को लेकर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू ने रघुवंश प्रसाद को आरजेडी से निकालने की भी मांग की। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिन शब्दों का उन्होंने बांध छोड़ा है वो हमारे लिए मर्माहतपन है और इस तरह उपहास की वातावरण को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा राजद आला कमान से करबद्ध और सविनय आग्रह होगा कि तत्काल शीघ्रता शीघ्र ऐसे शख्स पर निश्चित रूप से कार्रवाई करे। श्याम रजक के बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया तो सरकार की सेहत के लिए इसे खराब बताया। उनके बारे में कोई इधर उधर की बातें करता है तो कुछ ऐसे छोट भैया नेता है जिनका मेरे जैसे लोग नोटिस नहीं लेता है। पार्टी हमारी है, पार्टी पर किसको क्या करना है, हमारी पार्टी कोई दूसरा कोई चलाएगा क्या? बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार पर धोखा देने और चुनाव के दौरान अपने बयान से बीजेपी को मदद करने का आरोप लगाया था। रघुवंश प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश की नोटबंदी पर केंद्र सरकार की सराहना करना जनता से धोखा करने जैसा है। बिहार सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस ने सेक्स स्कैंडल और यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उत्तराखंड से निखिल को गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से एसआईटी को निखिल की तलाश थी। एसआईटी ने सूचना के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट भेजा था जिसके बाद उसे ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार पुलिस निखिल को पटना लाकर पूछताछ करेगी। अब इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि निखिल प्रियदर्शी पटना सेक्स स्कैंडल केस का मास्टरमाइंड है। निखिल पर दलित नाबालिग लड़की से यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले में एक आरोपी ब्रजेश पांडे अब तक फरार है। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन खर्च पर सीएजी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली से बाहर 29 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। सरकारी खर्चों का लेखा जोखा रखने वाली भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने पहले साल के कार्यकाल में करीब 29 करोड़ रुपए के विज्ञापन दूसरे राज्यों में दिए। यानी दिल्ली सरकार ने जनता के पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में अपनी छवि चमकाने के लिए किया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। इसको मैं अपराध मानता हूं दिल्ली के साथ, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पॉकेट पे, कि दिल्ली के पैसे इन्होंने अन्य राज्यों में एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है। अब हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को जो दिल्ली का पैसा दिल्ली से बाहर एड पे खर्चा करता है, उसका मतलब क्या है और इसके लिए क्यों न उनको दोषी मान करके उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करीब 24 करोड़ रुपए के विज्ञापन देते वक्त नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के कर्ज के एक मुश्त निपटारे की योजना पेश की है। इस योजना में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीद के लिए एसबीआई के लिए कई कर्जों का एक मुश्त निपटारा किया जाएगा। स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक के ट्रैक्टर और फार्म लोन का एक मुश्त सेटलमेंट हो सकेगा। बैंक की यह स्कीम 31 मार्च तक लागू रहेगी। इस स्कीम में ब्रांच मैनेजर के पास ही लोन निपटारे के सारे अधिकार होंगे। जो ग्राहक स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें लोन खाते वाली शाखाओं से संपर्क करना होगा। एसबीआई के मुताबिक ऐसी स्कीम समय समय पर एनपीए को देखकर लाई जाती है, खासतौर पर ऐसे लोन के लिए जिनकी सामान्य तौर पर अदायगी मुश्किल होती है। स्टेट बैंक का मकसद एग्रीकल्चर लोन में एनपीए को कम करना है। तीसरी तिमाही में एसबीआई का एग्री लोन एनपीए 5.9% था। बैंक इसे घटाकर 3% पर लाना चाहता है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दवा कंपनी सन फार्मा से इंपोर्ट अलर्ट वापस ले लिया है। यूएस एफडीए ने सन फार्मा की मोहाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इंपोर्ट अलर्ट जारी किया था।
अब इस यूनिट को USFDA के ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटिव स्टेटस से भी हटा लिया गया है। इंपोर्ट अलर्ट हटने के बाद सन फार्मा मोहाली यूनिट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेच पाएगी। इस खबर के बाद आज सन फार्मा के शेयर में करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही सन फार्मा का मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। सनफार्मा ने 2015 में रनबैक्सी को खरीदा था, जिसके तहत मोहाली यूनिट सनफार्मा के पास आई थी। यूएसएफडीए ने 2013 में मोहाली यूनिट के खिलाफ एक्शन लिया था। जेएनयू से दलित स्कॉलर की खुदकुशी का बड़ा मामला सामने आया है। एमफिल के छात्र का शव उसी के दोस्त के घर से मिला। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम मुत्तू रामकृष्णन है। रामकृष्णन ने कल शाम दिल्ली के मुनीरका में अपने दोस्त के फ्लैट पर फांसी लगाकर जान दे दी। रामकृष्णन जेएनयू में एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था। जेएनयू से सटे मुनीरका में 196 नंबर के फ्लैट से रामकृष्णन का शव बरामद हुआ। रामकृष्णन के पास से कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला है, लेकिन उसने 10 मार्च को फेसबुक पर शेयर की गई पोस्ट में जेएनयू में भेदभाव का आरोप लगाया था। जाति से दलित रामकृष्णन ने लिखा था कि एमफिल और पीएचडी के एडमिशन में समानता नहीं है। रामकृष्णन की मौत की खबर से तमिलनाडु में रहने वाले उसके परिवार में मातम है। रामकृष्णन के परिवार ने इस मामले में बड़ी जाँच की मांग की है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। घटना से नाराज डॉक्टरों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी सुरक्षा की मांग की। महाराष्ट्र के धुले से सामने आई इस घटना के बाद एक बार फिर डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर ने मरीज के इलाज में थोड़ी देर क्या कर दी कि मरीज के परिजन आग बबूला हो गए। पहले परिजनों की मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स से कहा सुनी हुई और बाद में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि मारपीट की पूरी तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला 12 मार्च का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना से नाराज धुले गवर्नमेंट अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका में बर्फीले तूफान की दस्तक ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बर्फीले तूफान की वजह से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई इलाकों में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से 2 फीट तक बर्फ गिरी है। न्यूयॉर्क में बर्फीली हवाओं की वजह से ओंटारियो झील के किनारे बने मकानों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी हवाओं के साथ झील का पानी मिलने की वजह से ये बर्फ जम गई है। लंदन में इस हफ्ते होने वाली घोड़ों की सबसे बड़ी रेस का अनूठे अंदाज में प्रमोशन किया गया। इस दौरान हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट की टीम की मदद से सड़क पर पुतिन और ट्रंप की चहलकदमी हुई। लंदन की सड़कों पर रेस का प्रमोशन कर रहे 2 कलाकारों को देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल दोनों कलाकार इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेकअप में घुड़सवारी कर रहे थे। इन कलाकारों को देखकर लोगों का हुजूम लग गया। इस दौरान लोगों ने पुतिन को शर्टलेस अंदाज में घुड़सवारी करते हुए भी देखा। दोनों कलाकारों के डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लुक में आने के बाद लोग उनकी तस्वीरें भी खींचते नजर आए। दोनों कलाकारों को ट्रंप और पुतिन का लुक देने के लिए हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट की टीम ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन के लिए सड़क पर उतारा गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज पूरे 52 साल के हो गए हैं। आमिर खान आज अपने जन्मदिन को बिल्कुल खास अंदाज में मना रहे हैं। आमिर ने दिन की शुरुआत मीडिया से मुलाकात करके और रिपोर्टर्स के साथ केक काट कर की। शाम को आमिर ने एक पार्टी होस्ट की, जिसमें उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए और ये स्पेशल गेस्ट रहे पहलवान महावीर फोगाट और उनकी बेटियां गीता और बबीता। सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल आप लोग आते हैं और मेरे साथ ये खुशी बांटते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। दरअसल आमिर ने अपने जन्मदिन के साथ ही दंगल की सुपर सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया। आखिर पब्लिक ने दंगल को जितना पसंद किया और जिस तरह की फिल्म की कमाई रही, वो किसी भी एक्टर के करियर का सबसे हाई पॉइंट माना जाता है।